हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, आज बहुत टाइम के बाद मैं वापस आया हूं। कह सकते हैं महीनों बीत गए हैं, मेरे कोई वीडियो अभी नहीं आई थी, तो अभी जस्ट नई वीडियो शूट कर रहा हूं मैं यहां पर। तो पास्ट की बातों को छोड़ देते हैं, अभी अब फोकस करते हैं प्रेजेंट पे। एक गाना आप लोगों ने सुना ही होगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आगे आगे लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। सो गाइस, अभी मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, ये आप देख सकते हैं। स्विफ्ट डिज़ायर अभी खड़ी है हमारे पास, और कुछ मेहमान हैं जिनमें कि मेरी सिस्टर भी है और एक दो लोग और हैं। तो उन लोग से अभी मैं मिलाऊंगा आप लोगों को। अभी एग्जैक्टली हम लोग नौकुचिया ताल में हैं, तो आगे आगे देखते रहो होता है क्या। ये रहा खूबसूरत नौकुचिया ताल। यहाँ पर मार्केट है नौकुचिया ताल की। ये लोग अभी रेडी हो रहे हैं शूज वगैरह उतार के। आगे भी ऐसे करके चलो ना। चलो चलो आगे, क्या मजा आ रहा ना। तो गाइस, ये देख सकते हो, एक तो पूरी तरह से फ्लैट हो चुके हैं, बाकी थोड़ी बहुत जान बची है इन लोगों में। अरे हम कैमरे फोटो खींचने के लिए पोज ये हमारे कितना सुंदर लग रहा है ना। ये हमारे कैमरामैन है और ये हीरोइंस हैं। अभी करीब करीब कितना 5 मिनट हो गया होगा हमको, ज़्यादा हो गया ना, 5-6 मिनट हो चुका है हमको। अभी भी बस फोटो सेशन चल रहा है अभी इन लोगों का, वो देख सकते हो। काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं अभी हम फिलहाल यहाँ पर। सब फ्लैट, ओ मोबाइल गिर गया, वो पीछे ये पीछे गिरा। चलो चलो चले चलो, रेडी हो जाओ। ओए तो गाइस, 10 मिनट तक बस ऐसे ही मस्ती करनी है हम लोगों ने यहाँ पर अभी, उसके बाद स्टैमिना देखा जाएगा हमारा कि है या नहीं, फिर वो बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी टाइम अप हो चुका है 10 मिनट का। सब गिर गया था मेरे, हे भगवान। इसको बोलते क्या? लड़की मेरे ऊपर चढ़ी। जॉर्ज जेड ओ आर बी, जेड ओ आर बी, जेड ओ आर बी। तो नौकुचिया ताल में कभी आए तो भैया से जरूर मिलेगा। और ये 10 मिनट के लिए था, तो हमारा टाइम अप हो चुका है अभी। तो बहुत सारी मस्ती की हम लोगों ने, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। कैकिंग करते हैं तो ये भी कर सकते हैं, बाकी बहुत कुछ है यहाँ पर। कभी नौकुचिया ताल आए तो आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो आप लोग। तो गाइज़, इसका जो प्राइस है वो 200 रुपये पर पर्सन है। तो हम लोग 4 लोग गए थे, तो 800 रुपये हम लोगों ने दिए इसके। तो बगल में हम लोगों ने एक जगह और पूछा था, वहाँ पर 300 रुपये बोल रहा था, तो हमें फ़ायदे का सौदा लगा, इसलिए हम इस पर चले गए मस्ती करने के लिए। बाकी सब जूते पहन के रेडी हैं। तो ये रहे हमारे अंकल जी, जिन्होंने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी सिस्टर है वो सामने आप देख सकते हो, जो यहाँ का पहाड़ी
जो वेशभूषा होती है, जो कल्चर होता है, तो वहाँ पर फोटो शूट हो रहा है। आप देख सकते हो इस तरह से। ये पूरा ड्रेस है, ये कुमाऊनी ड्रेस है। तो अंकल जी को हम लोग ने ऑर्डर दिया है अभी मैगी और चाय का। मैगी तो बन चुकी है, चाय में थोड़ा सा टाइम है। गर्मा गर्म मैगी भी आ चुकी है अभी चाय के साथ। सब पी रहे हैं, मज़े ले रहे हैं गर्मा गर्म चाय का। ठंड बहुत हो रही है तो गर्मा गर्म चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो सभी अभी साथ में पी रहे हैं। नौकुचे ताल में ये भैया की दुकान है एक, और ये हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप देख सकते हो ये शिव जी हैं, और ये धूप है तो इसके नीचे उन लोगों ने छेद किया है, और ऊपर से ये जल रहा है, और नीचे से देख रहे हो आप ऐसा लग रहा है कि दूध निकल रहा है नीचे। देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। तो ये मैं लेने वाला हूँ गाइज अभी। ये देख सकते हो गाइज, ये बुद्ध भगवान जो हैं इसमें अभी मैंने लगा दिया, और आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। सिराज भाई को एक टोपी पसंद आई है, बट ये फिट नहीं आ पा रहा है इनको। क्योंकि सर बड़ा है ना इनका, देख रहे हो आप। सर बड़ा सरदार का कहते हैं हमारे यहां। ये तब कंफर्टेबल हो रहा है। हाँ ये ठीक है, अच्छा लग रहा है। कंफर्टेबल लेना चाहिए। हाँ पूरा सर एकदम हो रहा है। देखो इधर, अच्छे लग रहे हो। फाइनल कर दो, ठप्पा मार दो इसको। टिक्की एकदम फुल है, तो बिल्कुल भी जगह नहीं है इसमें। नहीं ऐसा होता है ना, बताऊं कैसे। और सामान हमारे पास ज़्यादा हो चुका है अभी, यहाँ रख देते हैं। तो जब से हम आए हैं तब से एक प्रॉब्लम हो रही है इसमें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हॉर्न की हो रही थी, बट अभी हम लोगों ने मैकेनिक को दिखाया तो इसलिए हॉर्न ठीक हो चुका है। बट ये जो पानी का पाइपर है ये सही से नहीं चल रहा है। अभी वापस से जस्ट हम भीमताल पहुंच चुके हैं, तो अभी सीधे हम यहां से हल्द्वानी जाएंगे। ये देख सकते हो आप भीमताल, शाम के वक्त का नज़ारा। ये है हल्द्वानी का नज़ारा यहाँ से। गाइज अभी हम पहुँचे हैं जस्ट हल्द्वानी, और आप देख सकते हैं 7:30 बज चुके हैं। तो अभी हम रुकेंगे इस होटल में। क्या हो गया? क्या है इसमें?
बच्चा है? छोटी बच्ची। ये हमारी बिल्ली, बिल्ली बच्चा उसका खाना, ये देख रहे हो खाना, छोटी सी क्यूटी। तो इस वजह से करीब 5 मिनट हो गए इन लोगों को यहाँ पर। तो ये रहा होटल का एंट्रेंस, यह रिसेप्शन देख सकते हो आप, और ये रहा क्रिसमस ट्री। ये देख सकते हो आप, खूबसूरत रिसेप्शन है इन लोग का। अभी हम लोग जाएंगे अब रूम पे। सो गाइस, ये रहा अपना रूम जिसमें आज हम लोग रुकेंगे। क्या हो गया? चप्पल नहीं मिल रहा। चप्पल अभी मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो आप, इसी रूम पे हम लोग आज रुकेंगे। सिराजदार यहाँ लगे हुए हैं कुछ ना कुछ देखने में कि भाई क्या चीज़ है। कॉफ़ी, कॉफ़ी, चाय, मग सब देख रहे हैं यहाँ पर। सो गाइज, अभी हम लोग रूम पे पहुँच चुके हैं और आधे से ज़्यादा वीडियो बन चुकी है, लेकिन अभी तक मैंने किसी से भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था आप लोग को। तो अभी एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाऊँगा मैं। सबसे पहले ये रहे अभिजीत खनाल जी, हाय बोल दीजिए। ये नेपाल से हैं। और ये है सनम अधिकारी, और ये रही मेरी सिस्टर, नमस्ते। और ये रहे हमारे दाई सिराज दाई। तो आज हम इसी होटल पर रुकेंगे और अभी करेंगे आगे जो कुछ भी होगा, आप लोग को वीडियो के थ्रू पता ही चल ही जाएगा। एक मेंबर छोड़ गया जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, क्या है इसका नाम? क्यूटी, क्यूटी इसका नाम है। नमस्ते। तो बोलो, ये भी हमारे साथ नेपाल जाएगी, बोल दो। आज घर की छोड़ के आई ना, थोड़ी दुखी है, तो इसको भी हम लोग नेपाल ले जाएंगे। मैं घूमी तो हम लोग टोटल 6 लोग हैं इसको मिला के। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं और इसे यहीं पर छोड़ेंगे। ये सिराज दाई जो हैं यहीं रुकने वाले हैं, ये हमारे साथ नहीं जाने वाले हैं, तो इसका ख्याल रखेंगे। नहीं, गायब नहीं होगा, दरवाज़ा लगा के रखना बंद करके। चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो अभी हम वापस से हल्द्वानी मार्केट जा रहे हैं। इसको क्या लेना है तेरे को? ऊन। इसे सिस्टर को लेना है ऊन, तो स्वेटर बनाने के लिए। तो अभी चलते हैं और देखते हैं दुकानें खुली हैं या नहीं। हम लोग ढूंढ रहे थे इसी दुकान को, नैनीताल बुलबुल सेंटर, यहाँ पर ऊन बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सो गाइस, फाइनली हम वापस आ चुके हैं अभी शॉपिंग करके। तो 10 बजने वाले हैं रात के और खाना हम लोगों ने ऑर्डर कर चुके हैं, तो खाना आता ही होगा। और आज बहुत थकान भी हो चुकी है हम लोगों को, तो कल सुबह भी जल्दी निकलना है। तो अभी थोड़ी देर में खाना आज के बाद हम लोग खाते हैं और फिर करते हैं रेस्ट, और मिलते हैं कल के सफ़र में आप लोग से फिर से दोबारा।